इसलिए अब त्याग करने का समय है और अजय जी घूम रहे हैं, साथ है, लक्ष्य भी बड़ा है और ये आपके नेता है, आपके बेटा है, आपके भाई है, आपके नेता ये सब दिन रहे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 25 मई को सिवान में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से जो है वो सिवान में चुनावी प्रचार जो है वो करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने भी कैंप कर रखा है सिवान में और सिवान में घूम घूम कर NDA की प्रत्याशी के लिए प्रचार जो है वो करती हुई दिख रही हैं। सिवान में निवर्तमान सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह भी साथ में नजर आ रहे हैं लेसी सिंह के, और जहां भी राजपूत बहुल इलाका है वहां पर लेसी सिंह जा रही हैं और GDU की उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी उनके पक्ष में जो है वो प्रचार करती हुई दिख रहे हैं। विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई गाँवों का दौरा जो है वो लेसी सिंह ने सिवान में किया है और वोट मांग रही हैं JDU की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के लिए। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं लेसी सिंह, ये देखिए। तब त्याग भी करना और अजय जी ने त्याग किया है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, इनका अभिनंदन भी करती। मतलब मुंह नहीं मोरे, निर्णय हो गया, नेता ने इनको कहा, जब पार्टी का निर्णय हुआ इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और नेता के नेतृत्व के निर्णय को माना। ये इनका बड़प्पन देखने को नहीं मिलता और नेता के निर्णय के साथ ये काफी उनका जो रहता है अस्पष्ट रहता है, मुंह पर कुछ पीछे कुछ वो बात नहीं है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से बातें रखी है, विजय निर्णय रखा और शुरू दिन से पार्टी के निर्णय के साथ, और हम लोगों का समाज जो त्याग के लिए जाना जाता है इसलिए अब त्याग करने का समय है और अजय जी घूम रहे हैं, साथ है, लक्ष्य भी बड़ा है और ये आपके नेता है, आपके बेटा है, आपके भाई है, आपके नेता ये सब दिन रहे। और जिस तरह से ऐसा नहीं है कि MLA MP नहीं है तो आपके ये नेता नहीं है, आपके इन्होंने वादा भी किया कि आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे और आगे अच्छा ही भविष्य हो। पार्टी ने इनको त्याग किए हैं, पार्टी भी इनको अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही इनको मानते हैं। इस तरह से कहा कि हमको यहाँ पर टिकट दिया गया, सोचेगी नहीं थे लोग, मुख्यमंत्री जी मानते हैं और अच्छा ही भविष्य में अच्छा ही इनका रहेगा पार्टी में। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप सभी लोग समझदार हैं और किस तरह से यहाँ जो लालू के राज में जो प्रताड़ित हुए उस प्रताड़ना से मुक्ति हुई और उससे भी जो आगे सामने कैंडिडेट है उनका साया किस तरह से यहाँ सिवान पर, लोग जब दूसरे जगह सुनते थे तो वो रुआ काँप जाता था, ऐसा सिवान में होता है, पूरी चर्चा होती है। आप लोग तो झेले हुए, अजय जी तो रक्षक के रूप में यहाँ काम किए, आपके लिए खड़ा हुए। अब समय है कि वैसे लोगों के हाथ में फिर यहाँ की सत्ता नहीं जाए सिवान, ये सोचने का बात है और समझदारी से निर्णय लेना कि हम लोगों का लक्ष्य है कि देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाए हैं, आपको क्या कहना, आपको पूरी हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, देश को आगे बढ़ाए, देश का मान सम्मान देश का मान सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और फिर से लोग मन बना चुके हैं कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को विजय लक्ष्मी जी को एक एक तीन नंबर पर तीन छप्पर बटन दबाइएगा तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य तो स्पष्ट है, इस लक्ष्य को लेकर चलना है। जब बड़ी लक्ष्य रहता है तो छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है, लक्ष्य हमारा बड़ा है। इसलिए यहाँ हमारे जो
देश में काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमन चैन शांति बहाल की है उसके लिए भी तो बनता ही है। एक तरफ देश का विकास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के साथ साथ सिवान में काम हुआ है, अजय जी के नेतृत्व में इस लोकसभा में काम हुआ है, कविता जी काम की है, हमारे जितने NDA के विधायकगण हैं उन लोगों ने काम किया है, इतना अमन चैन शांति जो हुआ है इसके लिए भी तो एक एक वोट जो विजय लक्ष्मी जी है की छाप पर हम सब लोगों को मिल के उनको जिताना है, उनको जिताइएगा तभी देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आपका लक्ष्य है जो चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती मिलेगी और अजय बाबू की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी जो त्याग इन्होंने किया है। यही आप लोगों से अपील करने के लिए आए हुए हैं, आप लोगों को हम लोग क्या समझाएंगे, आप खुद समझदार हैं और थोड़ा उत्साह दिखाना होगा हम लोगों को। हम लोग घर में बैठे हैं जिस तरह से अजय जी के लिए किए हैं, जब अजय जी घर से निकल गए अजय जी का मान संभाले, इनका ताकत तो आप ही लोग हैं, आप लोग ने उत्साह भरिएगा तो कैसे होगा, आप लोग में क्षमता है कि आप वोट दीजिएगा भी, आसपास को प्रभावित कीजिएगा, हिलाइएगा, यही क्षमता है आपकी, यही पहचान। सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और इनके आशीर्वाद माता जी के बाद इनका आशीर्वाद हम सभी परिवार के सभी सदस्यों को मिलते हैं और यहाँ पर उपस्थित शीतल प्रखंड के जनता दल यू के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भारती जी, श्री वीर बहादुर सिंह जी, श्री कुणाल जी, उपस्थित हमारी समस्त जनता जनार्दन माताएं और बहनों में ध्वनि के सुन रहे श्रोतागण, आप सभी का हित को साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं और उनकी हत्या हो जाने के बाद 2000 में यह जनता जनार्दन की सेवा के लिए सभी के बीच में उपस्थित हुई।